ठीक है, तो पहले अपन वो दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन आज का लेक्चर आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज वन का क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो एक्सरसाइज वन का क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज वन का क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा गया है द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर आर 2, 2 एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर आर 1, √3, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दोनों को लिख लो ना, ना ए वेक्टर को क्या लिखोगे, 2i कैप + 2j कैप, बी वेक्टर को क्या लिखोगे, i कैप + √3j कैप, है ना। अब देखो एक तरीका है ना इसको a.b से सॉल्व करने का, है ना, बिल्कुल वैसे सॉल्व कर सकते हैं, उससे हो सकता है जो वैल्यू आ रही हो आपको ना पता, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, एक तरीका जो मैंने आपको सिखाया है कि cos थीटा इज इक्वल टू आप लिखोगे a.b/ab, है ना। तो a.b कितना आएगा, 2 + √3/ab, तो ab करेंगे तो नीचे आया एक 2√2 × 4, 2, तो एक 2 की टर्म तो कैंसिल हो गई, तो ये आ रहा है √3 + 1/√2 कॉस थीटा के वैल्यू। अब अपने को पता होना चाहिए कि ये थीटा इक्वल टू 15 डिग्री के लिए होता है ना। मैंने साइन 15 75 निकलवाया भी था, तो जो साइन 75 होगा वही कॉस 15 होगा, है ना, ये पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन इस मेथड से कर सकते हैं। अच्छा मान लो किसी को नहीं पता है, जैसे आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, अपने आप याद रहने लग जाएगा मैथ्स में पढ़ने के लिए। दूसरा मेथड भी है ना। अच्छा देखो एक ट्रिक तो सामने ही दिख रही है कि cos 30 नहीं है, ये cos 45 भी नहीं है, ये cos 60 भी नहीं, ऑप्शन से ही दिख रहा है कि ये 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के cos की वैल्यू तो नहीं है, तो ऑब्वियस बात है 15 डिग्री के cos की वैल्यू ही होगी, निकाल के चेक भी कर सकते। दूसरा मेथड बेटा, ये 2i कैप + 2j कैप जब ड्रॉ करोगे तो वो कहीं यहाँ ड्रॉ होगा, दिस वेक्टर इज ए वेक्टर 2i कैप + 2j कैप, और ये 45 डिग्री के एंगल पे होगा, और ये जो i कैप + √3j कैप है ना, i कैप + √3j कैप, ये कहीं इधर ड्रॉ होगा, और इसका एंगल जब निकालोगे ना ये y/x करके, तो ये √3 मतलब ये 60 डिग्री पे आएगा, मतलब b का एंगल आएगा यहाँ से 60 डिग्री, आप अगर इसको ड्रॉ करो और इसका एंगल निकालो तो ये 60 डिग्री पे आएगा और ये 45 पे आएगा, तो a और b के बीच का एंगल यहाँ से भी दिख रहा है, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री 60 - 40, तो ये दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इंटेलिजेंटली। अगर ऐसा दिख रहा हो ये √3 1 1 √3 2 2, तो कई बार सिंपली उसको ड्रॉ कर लेना ही आसान रहता है एज कंपेयर टू मैथमेटिकली सॉल्व करना। 25वां क्वेश्चन आपने पूछा है, 25वें क्वेश्चन में कहा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 8 एंड दैट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स इज 8√3, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट है वो, द एंगल बिटवीन देम इज, तो स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, मतलब मॉड a.b है, इसकी वैल्यू 8 है, तो इसका मतलब है ना कि a.b जो है उसकी वैल्यू 8 भी हो सकती है और -8 भी हो सकती है ना, a.b सॉरी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि उसका मॉड 8 दिया हुआ, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और ए क्रॉस बी का तो मॉड अपने को पता ही है, हमेशा पॉजिटिव ही आता है, आपको याद हो तो ए डॉट बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन ए क्रॉस बी या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव, तो ये ए क्रॉस बी का तो मॉड दे ही रखा है 8√3, है ना। तो इनके बारे में अपने को पता चल गया, तो ये वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा और ये वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा, इन दोनों को अगर डिवाइड किया जाए तो 10 थीटा आएगा, तो 10 थीटा या तो √3 आ रहा है अगर आप इसको 8 ले लो तो, और 10 थीटा - √3 आ रहा है, दो वैल्यूज पॉसिबल है, √3 और -√3, √3 आएगा जब मैं a.b 8 लूंगा, -√3 आएगा जब मैं वो -8 लूंगा, 10 थीटा √3 मतलब यहां से आ रहा है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री,
ना, और टेन थीटा माइनस रूट थ्री, तो टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, माइनस कॉट थीटा होता है ना। तो आप यहां से लिख सकते हो ये थीटा इज इक्वल टू 120 आएगा। कितना आएगा? थीटा इक्वल टू 120। तो इसके दो वैल्यू हो सकते हैं, 60 और 120। तो आंसर बी और सी दोनों दिया होगा। 25वां का आंसर बी और सी दोनों दिया है, है ना। इसमें पूरा का पूरा ट्रैप जो था ना, वो इसमें था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी दिया हुआ था, मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अगर इसने ये दिया होता कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 8, तब तो बेटा एक ही आंसर आता, 60 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 8, इसका मतलब उनका स्केलर प्रोडक्ट 8 भी हो सकता है और -8 भी हो सकता है। ठीक, बात समझ आ गई? जल्दी से नोट कीजिए, 30 सेकेंड दे रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में अपन ने वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझा था कि एक वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय उसके परपेंडिकुलर दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट, ऐसे। ठीक, तो अपन ने ये सब चीजें सीख ली थी। अब आज अपन पहले तो सीखने वाले हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड अपन ने निकाल लिया, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात, है आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो सुनो, मैं ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है ना, ये ए क्रॉस बी है, याद है मैंने ऐसे डिफाइन किया था, ए वी साइन थीटा इनटू एन कैप। ये तो इसका मैग्नीट्यूड था बेटा, ये क्या था? मैग्नीट्यूड। और मैंने कहा था ये दिखाता है इसकी डायरेक्शन, ये क्या दिखाता है? इसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो लिखना आ गया कि ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है, तो हमेशा जो है ये मैग्नीट्यूड या तो जीरो आएगा या तो पॉजिटिव आएगा। अब सुनना, डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? डायरेक्शन डिसाइड करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। कैसे करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। ऐसा मिलता जुलता रूल आपने ना क्लास टेंथ में थोड़ा बहुत सीखा होगा, साइंस में, फिजिक्स में जो मैग्नेटिज्म का चैप्टर था उसमें आपने थोड़ा बहुत सीखा होगा, उसी टाइप का रूल है। हर जगह की ट्वेल्थ की फिजिक्स में रूल बहुत बार लगे, राइट हैंड थंब रूल। क्या है इसमें? सबसे पहले तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि ये राइट हैंड रूल है, तो लेफ्ट हैंड यूज नहीं करेंगे। इट इज अ राइट हैंड रूल, सो वी यूज राइट हैंड। राइट हैंड की पाम को स्ट्रेच करेंगे, ये जो मैं राइट हैंड का पाम है इसको मैं ऐसा स्ट्रेच करूंगा, है ना, बिल्कुल। और ये जो पाम की एज है ना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है, मान लो आपको ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है, ए क्रॉस बी। तो मान लो ये आपका फर्स्ट वेक्टर है, जो पहले लिखा है वो फर्स्ट वेक्टर, जो बाद में लिखा है वो सेकेंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर के लॉन्ग पाम के एज के रखो, दो एजेस होते हैं, या तो ये वाला एज या तो ये वाला एज, जो आप सुटेबली रख पा रहे हो, ऐसे रखो कि पाम का फेस, मतलब ये वाला पार्ट, सेकेंड वेक्टर की तरफ हो। मैंने क्या कहा? फर्स्ट वेक्टर के अलोंग पाम के एज को रखो, ये एज रख पाओ तो ये, वरना ये एज, ऐसे रखना है कि दूसरे वेक्टर की तरफ हमारे पाम का फेस हो, ये फेस जो है वो दूसरे वेक्टर की तरफ होना चाहिए, है ना, फर्स्ट वेक्टर के अलोंग पाम का एज। जैसे यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा उसमें फर्स्ट वेक्टर के अलोंग में हाथ ऐसा रखूंगा ताकि मेरा पाम का फेस जो वो बी की तरफ हो, और फिर फर्स्ट से सेकेंड की तरफ पाम को फोल्ड करो, पाम को ऐसा कर्ल करो, है ना, अपने पाम भीतर की तरफ बंद होती है तो उसको कर्ल करो, तो जो अंगूठे की डायरेक्शन आएगी ये दिखाएगी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ये क्या दिखाएगी? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। ध्यान से देखिए, मैंने फर्स्ट वेक्टर के पैरेलल पाम का एज रखा, है ना, जिससे कि जो पाम का फेस था वो किधर था? सेकेंड वेक्टर की तरफ। तो मतलब मुझे ए से बी जाना है, फेस इस तरफ रखेंगे, और जब ए से बी गए तो जो ए क्रॉस बी आएगा वो कहाँ आएगा? अंगूठे के लॉन्ग, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। वैसे मान लो आपसे मैं पूछता बी क्रॉस है, जैसे मान लो ध्यान से मैं आपसे पूछूं ये ए है ये बी है, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, मैं आपसे पूछूं ए क्रॉस बी में कैसे जाएंगे, और आप अपने पाम को कैसे कर्ल करोगे, तो ए क्रॉस बी में ए से बी जाएंगे, मतलब ए के अलोंग पाम रखेंगे ऐसे कि पाम का फेस बी की तरफ हो, पाम का एज ए पे रखेंगे, सब लोग खुद से ट्राई करके देख लो, और पाम का फेस जो है वो बी की तरफ होगा, और ए से बी तक पाम को कर्ल करेंगे। देखो अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, तो मतलब ए क्रॉस बी जो आएगा वो कहाँ आ रहा है? बाहर,
ए क्रॉस बी कहाँ आ रहा है? बाहर, बाहर मैंने बताया था डॉट से लिखते हैं। और कल को मैं आपसे पूछूं बी क्रॉस ए कहाँ आएगा, बी क्रॉस ए है ना, तो आप फिर से यही डायग्राम बनाओगे, सेम दो वेक्टर्स हैं ना, ए और बी। अब मैं कहूँ बी क्रॉस ए जैसे ही है ना बेटा, जो पहले लिखा होता है ये फर्स्ट वेक्टर होता है और जो बाद में लिखा होता है ये सेकेंड वेक्टर। तो अब यहाँ फर्स्ट वेक्टर बी हो गया, दिस इज फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज सेकेंड वेक्टर। अब बी के लॉन्ग पाम रखेंगे, पाम की एज, और ए की तरफ पाम का फेस होगा, तो अब बी से ए जाएंगे। कैसे जाएंगे? बी से ए, बी से ए, ऐसा हाथ रखा बी के लॉन्ग और बी से ए। तो देखो ये कहाँ आया? अंदर। कहाँ आया? अंदर, मतलब क्रॉस। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहाँ आई? क्रॉस में। क्रॉस का मतलब मैंने आपको बताया था इनवर्ड, और डॉट का मतलब मैंने बताया था आउटवर्ड, है ना। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं। एन कैप कैसे डिसाइड करते हैं? जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस निकालना होता है, फर्स्ट वेक्टर के लॉन्ग पाम के एज को रखते हैं, सच दैट फेस ऑफ द पाम इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेकेंड वेक्टर, एंड फिर फर्स्ट से सेकेंड तक अपने हाथ को पाम को कर्ल करते हैं। जो अंगूठे की डायरेक्शन होती है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है। धीमे धीमे प्रैक्टिस के साथ अपने आप सीख जाओगे, जब अपन रोटेशन में जाएंगे वहां ये यूज होने लगता है, उसके पहले ये कहीं भी यूज नहीं होगा। मतलब इसके आने में, इसके यूज होने में 5-6 चैप्टर है, तो परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है। अभी एक आध जगह जहाँ यूज होगा वो इसका कॉम्पोनेंट फॉर्म वाला है, उसमें ऐसा कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली में ए क्रॉस बी कहाँ आएगा? ये यूज मेनली 12th में होता है, फिर भी अभी अपन अपने हिसाब से तो सीख लेते हैं। ये हुआ। यहां से एक और चीज समझ में आती है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए तो एक ही बात थी, है ना, ए बी कॉस थीटा, कोई डायरेक्शन तो होती नहीं थी, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक ही बात नहीं है। अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक ही बात है, ध्यान से देखो, फर्स्ट में अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा इस डायग्राम में, ए से बी तक तो ऐसे जाएंगे, तो ए क्रॉस बी ऊपर आया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बी क्रॉस ए कहाँ आएगा, तो बी से ए गए, तो दिस इज बी क्रॉस ए, ये कहाँ आया? नीचे। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए, बिल्कुल इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, और कितने होते हैं? ए बी साइन थीटा, है ना। ए क्रॉस बी करें या बी क्रॉस ए करें, इनके मैग्नीट्यूड सेम हैं, क्या है? ए बी साइन थीटा, बट देयर डायरेक्शन इज डिफरेंट, बट देयर डायरेक्शन इज डिफरेंट। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस है कि ए क्रॉस बी लिखना है या बी क्रॉस ए लिखना है। एक्चुअली जो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए होते हैं, आपने क्या देखा, ए क्रॉस बी ऊपर है तो बी क्रॉस ए ठीक नीचे है, तो अगर मैं इसको सी लिखता हूं तो ये माइनस सी है। तो एक्चुअली ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, मतलब दोनों एंटी पैरेलल है। दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? एंटी पैरेलल। मैं अगर कहूँ ए और माइनस ए क्या है? एंटी पैरेलल, तो अपन लिखते हैं ना एक के सामने माइनस लगा के, उसी तरह ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कैसे हैं? एंटी पैरेलल है ना, दीज आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, सेम मैग्नीट्यूड के एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। ये माइनस का साइन क्या दिखा रहा है? कि ये एंटी पैरेलल, ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं। सो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, सो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का रिजल्ट सेम नहीं आता है ना। ये बात समझ में आ गई क्या? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फटाफट लिखिए इसको। यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट बात और भी दिख रही होगी, आप सुनना मेरी बात। जब दो वेक्टर्स को ऐड करते थे ए और बी को, तो याद करो उनका रिजल्टेंट उन्हीं के प्लेन में आता था हमेशा। दो वेक्टर ए और बी को जब ऐड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट उसी प्लेन में आता है। दो वेक्टर को माइनस करते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में आता है। लेकिन दो वेक्टर को जब स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, दो वेक्टर का जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया है
तो उसकी जो डायरेक्शन आई है वो उन दोनों को मिलाने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। जो मैंने ये जो सामने डायग्राम में प्लेन ड्रॉ किया हुआ है ना, ये ए और बी को मिलाने वाला प्लेन है। ये कैसा है? ए और बी को मिलाने वाला प्लेन है ना। तो जो तीसरा वेक्टर आ रहा है ये हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ये जो है इनको कंटेन करने वाला प्लेन इसके परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी हो सकता है या इनवर्ड भी, डिपेंड करता है किस तरफ परपेंडिकुलर होगा। बट दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उनको कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जबकि दो प्रोडक्ट का सम या उनका सब्ट्रैक्शन उन्हीं के प्लेन में होता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं इसको देखो कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ए क्रॉस बी ये जो वेक्टर आया इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दैट इज इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर को कंटेन करने वाले प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है तो ये ए और बी को कंटेन करने वाले प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। और मैं इसको देखो ध्यान से एक चीज लिख रहा हूं, दिस इंप्लाइज ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो और बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का किसी भी एक वेक्टर से डॉट ले लूं तो वो हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि मुझे क्या पता चला कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो इसका मतलब एक ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर है ना, कोई सी वेक्टर बना, तो ए क्रॉस बी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। और अपन जानते हैं कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। उसी तरह बी डॉट ए क्रॉस बी ये भी क्या आएगा? जीरो, है ना। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इनके परपेंडिकुलर होता है। ये प्रॉपर्टी आगे यूज होती है कुछ कुछ जगहों पे, कुछ क्वेश्चंस पे यूज होगी। हमेशा याद रखेंगे कि जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और हमें एक तीसरा वेक्टर मिला तो वो जो तीसरा वेक्टर है वो पहले दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर उसका मैं किसी भी एक वेक्टर के साथ डॉट ले लूंगा तो वो डॉट क्या आएगा? जीरो। ठीक, जल्दी नोट कीजिए इस बात को। तो मैं कल को ये भी लिख सकता हूं कि ए क्रॉस बी का ए प्लस बी से डॉट भी जीरो आएगा, क्योंकि ए प्लस बी भी इसी प्लेन में होगा। और ए क्रॉस बी का ए माइनस बी से डॉट भी जीरो आएगा, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी ए और बी की ही प्लेन में होते हैं। तो एक्चुअली ना वो उनके प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है। तो मैं उसके प्लेन के परपेंडिकुलर किसी भी वेक्टर के साथ उसका डॉट ले लूं तो वो डॉट जीरो ही आएगा। तो ए और बी के प्लेन में कोई भी वेक्टर हो उसका अगर ए क्रॉस बी से डॉट लिया जाए तो वो डॉट क्या आएगा? जीरो। क्यों जीरो आ रहा है? क्योंकि ए क्रॉस बी ए और बी के परपेंडिकुलर होता है। जल्दी लिखिए। तीस सेकेंड दे रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
एक कंडीशन मैं लिख रहा हूँ, ये एक्चुअली तुम वैसे तो 12th में सीखोगे, बट मैं यहाँ पे ऐसे ही दे देता हूँ, कई बार क्वेश्चन आ जाता है अपने 11वीं क्लास से, 12th में मैथ्स में ना बहुत डिटेल में सीखते हैं, है ना। अभी मैं ऐसे ही तुम्हें कंडीशन लिखवा रहा हूँ, उस कंडीशन को लिखने से पहले मैं तुमसे दो एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, है ना, ट्रू और फॉल्स का, है ना। पहला क्वेश्चन, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ये बात सही है क्या? दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होंगे, दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होंगे, एक फॉल्स आया है, दो ट्रू आया है, सही है ये बात, बिल्कुल सही है, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों बेटा, शिफ्ट करके ले आओ ना, आपको कोई भी दो वेक्टर दिखता हो उनको मिलाने वाला एक प्लेन बनेगा हमेशा। आपको ऐसे समझ ना आता हो तो आप ना एक काम करो, आप अपने पास कोई भी दो पेन ले लो, दो पेन कैसे भी, है ना, दो पेन कैसे भी ले लेना, और आप इसको कैसे भी घुमा लो, ये हमेशा एक प्लेन में आएंगे, है ना। दो वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके आप एक पॉइंट पे ला ही सकते हो ना, आप उनको कैसे भी घुमा लो वो हमेशा एक प्लेन में आएंगे, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, है ना, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, है ना। कैसे? क्योंकि आप हमेशा एक प्लेन बना सकते हो जो इनसे पास हो, उनको हमेशा शिफ्ट करके एक पॉइंट पे ले आओ, एक पॉइंट बन गया तो एक हमेशा कुछ ऐसा ऐसी ज्योमेट्री बन जाएगी, कॉइंसाइड करेगा तो हाँ बिल्कुल, तब तो एक प्लेन में है ही ना, है ना। मान लो ये दो वेक्टर हो गए, है ना, अब हमेशा आप इनसे पास होने वाला एक प्लेन बना सकते हो, ये प्लेन हमेशा इनसे पास हो रहा है, हमेशा दो वेक्टर हमेशा ऐसे रखे होंगे, एक एंगल टाइप का फील हो रहा होगा तो हमेशा वो एक प्लेन बनाएंगे। ये पूछ रहे कॉइंसाइड हो गए, तो कॉइंसाइड हो गए तब तो यही हो गया, तो भी तो एक प्लेन में ही है, अब तो ये हर प्लेन में है एक्चुअली, अभी भी एक प्लेन में है, कोई भी प्लेन बनाओ इससे पास होता हुआ हर प्लेन में, बट दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते हैं, ये बात सही है। अच्छा, तीन वेक्टर एक प्लेन में होते हैं क्या? तीन वेक्टर, थ्री वेक्टर्स, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, थ्री वेक्टर्स कैन नेवर बी कोप्लेनर, बताना है आपको ट्रू है कि फॉल्स है, थ्री वेक्टर्स कैन नेवर बी कोप्लेनर, बिल्कुल फॉल्स है, फॉल्स है भैया, क्यों? अरे सामने डायग्राम बना दूंगा मैं तुम्हारे, भी तीन वेक्टर एक प्लेन में, तुम्हारे सामने भी तीन वेक्टर बना दूंगा, देखो तीनों कागज की प्लेन में, तीनों कहाँ है, एक ही प्लेन में, प्लेन ऑफ पेपर में, तो बिल्कुल तीन वेक्टर कोप्लेनर हो सकते हैं। अच्छा, नहीं भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, मान लो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ये आई कैप वेक्टर है, ये जे कैप वेक्टर है, और के कैप कहाँ होता है, डॉट में, और ये के कैप वेक्टर है बाहर की तरफ, अब देखो ये प्लेन में नहीं, अपन अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात करें तो ये तीनों एक प्लेन में नहीं होते हैं, तो ये प्लेनर है और ये नॉन प्लेनर है, नॉन कोप्लेनर और ये कोप्लेनर है, तो तीन वेक्टर एक प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसका सबसे नहीं होने वाले का सबसे अच्छा एग्जांपल है अपना आई कैप, जे कैप, के कैप 90 डिग्री पे हैं, तीन वेक्टर मान लो म्यूचुअली 90 डिग्री पे हैं, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो एक प्लेन में आ ही नहीं सकते, बट आ भी सकते हैं, कोई दूसरे तीन वेक्टर एक प्लेन में हो सकते हैं, तो दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते हैं, तीन वेक्टर एक प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो जो कंडीशन मैं आपको सिखा रहा हूं वो कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर के कोप्लेनर होने की कंडीशन, क्योंकि दो के तो करने की जरूरत नहीं है, दो तो हमेशा ही होते हैं, तो हम वो कंडीशन सीखने वाले हैं जिससे तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं। तो आप सोच के देखो, तीन वेक्टर कोप्लेनर होने का मतलब वो तीनों एक ही प्लेन में, तो तीनों कैसे हैं, एक ही प्लेन में, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, तीन
वेक्टर अगर कोप्लेनर है इसका मतलब वो एक ही प्लेन में है। बेटा मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इन तीन में से किसी दो का क्रॉस ले लूं, तीन है ना एक प्लेन में, मैं किसी भी दो का क्रॉस ले लूं तो वो दो का क्रॉस तीसरे के परपेंडिकुलर आ जाएगा, है ना। इफ वी टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू ऑफ दीज वेक्टर्स, एनी टू ऑफ दीज वेक्टर्स, इफ वी टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू ऑफ दीज वेक्टर्स, दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू थर्ड वेक्टर। थर्ड वेक्टर क्यों? क्योंकि प्लेन के ही परपेंडिकुलर हो जाता है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि मैं ए क्रॉस बी कर लूं, मैं क्या कर लूं, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी जो आएगा वो ए के परपेंडिकुलर आएगा, बी के परपेंडिकुलर आएगा, या मैं कहूं तो ए और बी को कंटेन करने वाले प्लेन के, जैसे इस केस में अगर ए क्रॉस बी करें, ए क्रॉस बी तो बाहर आ जाएगा, है ना। इस केस में ए क्रॉस बी कहां आ रहा है, डॉट में। तो सोच के देखो ए क्रॉस बी डॉट में है और सी तो इसी प्लेन में आ गया, तो किसी भी दो का क्रॉस लूं और उसका तीसरे के साथ डॉट ले लूं तो वो जीरो होगा। दिस इज कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी। अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, मतलब एक ही प्लेन में है, तो किसी भी दो का क्रॉस लो और उस क्रॉस का तीसरे के साथ डॉट ले लो तो आंसर क्या आएगा, जीरो। अगर ये जीरो आ रहा है इसका मतलब वो वेक्टर्स कोप्लेनर है, और अगर ये जीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं। इसको डिटेल में आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे, इसको बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं एक्चुअली में, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाता है, आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे। बट अभी आपको सिर्फ मैंने लॉजिकली समझाया, अगर तीन वैक्टर एक ही प्लेन में है तो इनमें से किसी भी दो का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो उनके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट होता है प्लेन के परपेंडिकुलर। और अगर मान लो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसका सी के साथ डॉट क्या आ जाएगा, जीरो। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स। जल्दी नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो लिख के या अननोट करके पूछिए। आगे चलते हैं, ये हो गया कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। अब एक चीज बस अपने को जाननी है, और सिखाने से पहले कि अपन ना जो अभी तक मैं आपको सिखाता आया हूँ, ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, और इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ z एक्सिस होती है, ये z एक्सिस होती है डॉट में, डॉट मतलब बाहर, डॉट मतलब बाहर, ये z एक्सिस होती है। इसको ना जो अपन ये सिस्टम सीखते हैं इसको बोलते हैं राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या मतलब है कि आप आई क्रॉस जे करोगे ना, आई कैप इस तरफ और जे कैप इस तरफ, सब लोग ना आई क्रॉस जे करके देखो, आई कैप इस तरफ है, जे कैप ऊपर की तरफ है, आई क्रॉस जे बाहर रहेगा तो ये के कैप होगा। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप होता है, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है, जो के कैप है वो बाहर की तरफ है, तो अगर आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप की डायरेक्शन में होता है तो ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये राइट हैंड, जैसे मान लो मैं एक एक्सिस सिस्टम नहीं डिफाइन कर दूं जिसमें एक्स वाई तो ऐसे ही हो और जेड एक्सिस अंदर हो तो वो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं होगा। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं, Which of the following is right-handed coordinate system? तो right-handed coordinate system का मतलब होता है कि plus i cross plus j equal to plus k होना चाहिए। अच्छा, इसी सिस्टम में आप देखो अगर j cross k करोगे, इसी सिस्टम में है ना, आप अगर इसमें j cross k निकालो, मतलब ऊपर क्रॉस बाहर, तो j cross k करोगे ना तो वो i cap आएगा, है ना, और अगर k cross i करोगे तो वो जे कैप आएगा, है ना। याद तो अपने को इससे ही रखना है कि राइट हैंडेड सिस्टम में आई क्रॉस जे इक्वल टू के होना चाहिए, अगर ऐसा दिख रहा है तो ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है।
और उस सिस्टम में आप अगर जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा, के क्रॉस आई करोगे तो जे आएगा। इसको ना कई बार डायग्राम में ऐसे बना देते हैं याद रखने के लिए, ऐसा सर्कल बना लेते हैं कि यहाँ आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप, ऐसा बना देते हैं एक सर्कल पे। इस सर्कल में जो अपन नॉर्मल अपना सिस्टम होता है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इस सर्कल में अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो प्लस का साइन आएगा, है ना, और अगर अपन क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस का साइन है। क्या मतलब है इसका बताता हूं मैं। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे मतलब अगर मैं आई क्रॉस जे करूं, आई क्रॉस जे, देखो ध्यान से, मैं आई से जे गया एंटी क्लॉकवाइज, आई से जे एंटी क्लॉकवाइज ही जा सकते हैं, है ना, तो इसका मतलब वो प्लस के क्या पाएगा, है ना। मैं के क्रॉस आई करूं तो देखो के यहाँ है और आई यहाँ है, तो मैं के से आई गया एंटी क्लॉकवाइज तो वो प्लस जे आएगा, है ना। और अगर मैं ऐसे ही उल्टा जाऊं, मान लो मैं कहूं कि जे क्रॉस आई क्या होगा, देखो जे क्रॉस आई के लिए मुझे ना क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, तो अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो ये माइनस के कैप होगा। अगर मैं आई क्रॉस के करूं तो आई क्रॉस के मुझे वापस क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, तो ये माइनस जे होगा। मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके तीसरा वेक्टर मिलता है उसके परपेंडिकुलर, और अगर अपन पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं सर्कल में तो प्लस का साइन आएगा, और क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा, है ना। मेनली ये तीनों याद रख के ही काम चल जाता है, इससे बहुत ज्यादा कुछ और नहीं करना पड़ता। इसका उल्टा हो जाता है तो उल्टा माइनस ले लेते हैं, बाकी ये ऐसा आना चाहिए कि आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है। इसी सिक्वेंस में कि किसी भी दो का क्रॉस लेंगे तो तीसरा मिलेगा। अब वो दो का क्रॉस लेने में पहले से दूसरे अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में गए सर्कल पे तो प्लस का साइन आएगा, क्लॉकवाइज सेंस में गए तो माइनस का साइन आएगा। जल्दी से लिखिए। इसी को बोलते हैं राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। तीस सेकेंड और दे रहा हूँ, फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये अपन सीखे राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जिसमें आई क्रॉस जे इक्वल टू के मिल जाए। जैसे मान लो तुमसे एक सिंपल सा क्रॉस प्रोडक्ट में पूछूं कि टू आई कैप, अच्छा रुको, इसके पहले एक चीज तो बताया नहीं तुमने, क्रॉस में सेल्फ प्रोडक्ट आई क्रॉस आई और आई क्रॉस माइनस आई, ये बेटा जीरो वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि i और i पैरेलल है, i और माइनस आई एंटी पैरेलल है, मतलब एंगल एक में 0 डिग्री है, एक में 180 डिग्री। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 और 180 होता है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। और देखो ध्यान से, मैंने 0 वेक्टर लिखा है ना, क्यों लिखा है, सही बहुत जगहों पर 0 लिखा मिल जाएगा बट सही 0 वेक्टर है, क्योंकि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है। सिमिलरली j क्रॉस j, ये दोनों पैरेलल है और j क्रॉस माइनस j ये एंटी पैरेलल है, ये भी कितना होगा 0, और k क्रॉस k इज इक्वल टू k क्रॉस माइनस k, ये भी क्या होगा 0। तो वेक्टर्स का सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट
जीरो आता है, वेक्टर का सिर्फ डॉट प्रोडक्ट मैंने पहले सिखा दिया था, ए स्क्वायर हो जाता था, है ना। तो आई कॉस है ऐसा। अब मान लो मैं आपसे क्वेश्चन लू, सिंपल आपको दो वेक्टर मल्टीप्लाई करना है। मान लो मैं आपसे कहूँ कि ए वेक्टर इज इक्वल टू है टू आई कैप, ध्यान से देखना, और बी वेक्टर है थ्री आई कैप प्लस जे कैप, और आपसे पूछा गया है फाइंड ए क्रॉस बी। फिर मैं दिखाता हूँ, अगर वो जो ट्रिक मैं आगे सिखाऊंगा वो ना सिखाऊं तो जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी कैसे करोगे, तुम कहोगे सर इसको ऐसे लिखेंगे टू आई कैप क्रॉस थ्री आई कैप प्लस जे कैप, सिक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, तो इसको क्या लिखेंगे टू आई कैप क्रॉस थ्री आई कैप पहला टर्न और दूसरा टर्न, फिर टू से वन को टू आई कैप प्लस जे कैप। अब बेटा ये टू आई कैप और थ्री आई कैप पैरेलल हुए ना, ब्रैकेट ओपन किया तो ये टू आई कैप और थ्री आई कैप पैरेलल हुए, दोनों आई कैप है, तो ये टर्न्स हो गई जीरो वेक्टर प्लस ये क्रॉस, क्या कहता हूँ ना, और टू आई क्रॉस जे तो टू तो टू हुआ, आई क्रॉस जे के होता है, तो आंसर आया टू के के। यहाँ देखो मैंने दो दो एक और दो वाले लिए थे, जैसे चलो एक और कर लेते हैं कि मान लो मैं आपसे कहूँ फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप क्रॉस थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप, है ना, इसको सॉल्व करने को बोलूँ। याद रखना सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हैं, तो पहले फोर आई कैप का क्रॉस लेंगे थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप के साथ, फिर थ्री जे कैप का क्रॉस लेंगे थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप के साथ, है ना। अब ओपन करो तो बारह आई डॉट आई तो जीरो हो गया, प्लस आई क्रॉस जे के होता है तो सोलह के कैप प्लस जे क्रॉस के सॉरी जे क्रॉस आई तो आई क्रॉस जे के होता है तो जे क्रॉस आई माइनस के होता है तो माइनस नाइन के कैप, और ये जे क्रॉस जे जीरो, तो ये सॉल्व हो क्या आया सेवन के कैप, कितना आया सेवन के कैप। तो ये आ गया अपना ए क्रॉस बी। तो ध्यान से देखो कितनी झंझट है, ये तो मैंने दो दो वाले लिखे, अगर मैं तीन तीन वाले लिख दू ना सोचो नौ टर्म बनेगी, कितनी टर्म बनेगी नौ टर्म बनेगी। और डॉट वाले में क्या होता था ना कि आई आई वाला रहता था, बाकी छह जीरो हो गए थे, यहाँ पे छह बचेंगे तीन ही जीरो होंगे, है ना, आई का आई वाला जीरो होगा, जे का जे वाला जीरो होगा, के का के वाला जीरो होगा, तो नौ टर्म में यहाँ तीन ही टर्म जीरो होंगे, तो तीन वाले में निकालने में छह टर्म लिखनी पड़ेगी, तो प्लस माइनस का चक्कर पड़ेगा और दिमाग खराब हो जाएगा। कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए इसको एक ट्रिक से करते हैं। तो देखो ट्रिक कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट मेथड बोल देते हैं कई बार लोग, जो भी बोलते हैं मुझे इससे कोई मतलब, अपन तो लिख लेते हैं कि मान लो तुमसे दो वेक्टर दिए गए, मैं एग्जांपल लेके सिखा रहा हूँ, दो वेक्टर दिए गए हैं, मान लो ये टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, और ये तुम्हारा बी वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप, तुम्हें इनका क्रॉस निकालना है, है? तुम क्या करोगे सबसे पहले इसे दो लाइनें खींच दोगे, इसको डिटरमिनेंट कहते हैं, इसे स्ट्रक्चर ऊपर लिख लो आई कैप जे कैप के कैप फर्स्ट रो में, फिर तुम्हें क्या निकालना है फाइंड ए क्रॉस बी, क्या निकालना है ए क्रॉस बी, तो पहला वेक्टर कौन सा है ए वाला, ए वाले के कोफिशियंट्स यहाँ लिख दो, कितना है कोफिशियंट टू माइनस थ्री और फोर, ये मैंने ए वाले के कोफिशियंट लिख दिए, फिर बी वाले के कोफिशियंट यहाँ लिख दो वन वन माइनस टू, ये साइड में ए और बी लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, बस मैंने ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, बस मैंने ये लिखने के लिए ये बताने के लिए लिखा है कि जो वेक्टर पहले लिखा होता है उसके कोफिशियंट पहले लिखते हैं, जो वेक्टर बाद में लिखा होता है उसके कोफिशियंट बाद में लिखते हैं, ये इसको इस फॉर्म में लिखना। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले अपन आई कैप वाली रो को सॉल्व करेंगे, तो आई कैप वाली रो को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ आई कैप लिख लिया, चलो जिस रो को सॉल्व कर रहे हो उसके वाले नंबर्स को मत लेना, इसको भूल जाना,
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना ऐसे और ऐसे, तलवार चलेगी तरीके से। तो -3 × -2 माइनस, मतलब दिस इंटू दिस माइनस 4 × 1 ऐसे करना है, मतलब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो ये आ गया आई कैप का कोफिशियंट। जे कैप के पहले एक माइनस आता है ना, आई कैप के पहले प्लस आता है, जे कैप के पहले पहले बाहर से एक माइनस लगा दिया। ध्यान से सुनना मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर से बताऊंगा चिंता मत करना। सबसे पहले क्या किया, आई कैप वाली रो को जब सॉल्व कर रहे थे तो आई कैप लिख लिया, और अब आई कैप के अंदर एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहां से जे से के और फिर ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस -3 × -2 6 हुआ, और -4 × 1 जे कैप के अंदर आए। तो जे कैप के अंदर बाहर एक पहले से माइनस साइन होता है, याद रखना। अब बेटा जे कैप वाली रो को भूल जाना, फिर से वही तलवार चलेगी 2 × -2 2 × -2 -4 × 1 4 × ये हुआ जे कैप का कोफिशिएंट प्लस के कैप। के कैप में क्या करेंगे, के कैप वाली रो भूल जाएंगे, 2 × 1 2 × 1 माइनस ये क्या है -3 × 1 -3 × ये तीनों का कोफिशिएंट। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हुआ यहाँ से 6 − 4 टू आई कैप, ये कितना हो रहा है देखो ध्यान से, -4 − -4 -8 बाहर एक माइनस है +8 और ये 2 और +3 तो 5 के क्या, ये आंसर आया। अब सुनना एक लफड़ा क्या है, लफड़ा ये है ना कि तुम कितनी भी सावधानी से कर लो तुम्हें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि कहीं प्लस माइनस की गलती तो नहीं हो गई। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमेशा एक बार चेक कर लिया करेंगे साइड में। चेक क्या करेंगे सुनना, चेक ये करेंगे कि ये क्या आया है ए क्रॉस बी, ये क्या आया है ए क्रॉस बी। अगर ये ए क्रॉस बी है तो इसका ए और बी के साथ डॉट जीरो आएगा, है ना। तो ए या बी किसी एक के साथ इसका डॉट ले लेना, देखो मैं इसका ए के साथ डॉट ले रहा हूँ, ए क्रॉस बी का मैं क्या कर रहा हूँ ए वेक्टर के साथ डॉट ले रहा हूँ। देखो 2 × 2 डॉट लेना बहुत आसान होता है 4, 8 × -3 − 24 5 × 4 20 हो गया 0, इसका मतलब ये आंसर सही है, इसका मतलब ये आंसर सही है। तो एक बार क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमेशा आदत डाल लो कि एक बार, मतलब या तो तुम पूरा अपनी कैलकुलेशन चेक करोगे, उससे ज्यादा आसान है कि सवाल के साथ डॉट ले लो ना, सवाल में किसी एक वेक्टर के साथ डॉट ले लो तो काम हो जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन और करके आपको दिखा रहा हूँ, फिर और समझ लो, एक क्वेश्चन में और करूंगा आपके लिए, है ना, कि कैसे करते हैं। मान लो आपसे दो वेक्टर कहे गए, एक पी वेक्टर है 2i cap − 4j cap + 5k cap और एक q वेक्टर है i cap − j cap + 2k cap। आपसे कहा गया है कि p क्रॉस q कैलकुलेट कीजिए, p क्रॉस q। सबसे पहले डिटरमिनेंट बनाया, ये लिखा मैंने i cap j cap और k cap, है ना। फिर पहले वेक्टर के कोफिशिएंट 2 − 4 5, फिर दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट 1 − 1 2 ये लिख लिया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सबसे पहले यहाँ आई कैप लिखूंगा, आई कैप के अंदर ब्रैकेट में आई कैप वालों को नहीं लेंगे, और ऐसे -4 × 2 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म −5 × 1 या 5 × −1 एक ही बात है, 5 × −1 ये आई कैप के कोफिशिएंट लिख डाले। फिर जे कैप के आगे एक इनबिल्ट रेडीमेड माइनस साइन होता है, फिर जे कैप वाली कॉलम को भूल जाएंगे, तो फिर 2 × 2 इसको इससे −5 × 1 और फिर प्लस के कैप, तो के कैप वाली रो को भूल जाएंगे, तो 2 × −1 − 1 × −4 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर बचा −8 + 5 −8 + 5 तो −3 i cap 4 − 5 −1 + 1
माइनस टू और माइनस फोर, माइनस फोर टू और प्लस फोर तो प्लस टू। बिल्कुल मुझे 0% कॉन्फिडेंस है कि मैंने सही किया होगा, तो मैं किसी एक के साथ डॉट लेके चेक करूंगा। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो माइनस सिक्स, माइनस फोर, प्लस टेन। देखो मेरा 0% कॉन्फिडेंस काम कर गया, मैंने कहीं लोचा कर दिया। माइनस सिक्स, माइनस फोर, प्लस टेन, नहीं सही तो है, 0, 0 है मतलब सही है। तो ये एक बार चेक भी कर ही लेंगे, क्योंकि एक प्लस माइनस इधर उधर होना बहुत ही कॉमन बात है, हो जाता है, मतलब हो ही जाता है। तो हमेशा आदत डाल लो कि जब भी इस मेथड से पावर फैक्टर कैलकुलेट करोगे तो एक बार चेक करोगे, है ना। दो चार क्वेश्चन, अभी दो क्वेश्चन मैं इसके और दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना। बाकी ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं दो वेक्टर के क्रॉस हमेशा। जल्दी से लिखिए, कोई डाउट हो तो पूछिए अनमोड करके, ठीक है। चलिए अब इससे ना दो तीन इसके कई बार यूजेस रहते हैं, मतलब पता हो इससे तो बहुत इजीली हो जाते हैं। जैसे इसके यूजेस सिंपल है, एक तो दो यूजेस इसके, एक तो लिखो ना मैं यूजेस में, है ना, टू फाइंड एरिया विद, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्योंकि मॉड ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, मॉड ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। लेकिन बेटा मेरी बात याद रखना, ये मेथड कभी यूज नहीं करेंगे ना। क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी निकालने में अपने आप में गलती होती है। इससे आसान डॉट से निकाल लेना है ना, कॉस निकाल के साइन में चेंज कर लेंगे ना। तो अपन एंगल भले ही ये यूज लिख देते हैं, मैंने भी लिख दिया, लेकिन ये यूज कभी अपन यूज नहीं करेंगे। अपन दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट, ये बहुत ही सिंपल होता है। दूसरा, दूसरा है ना कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ये क्या कर दिया मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मॉड ए क्रॉस बी। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड्स हैं, तो ए क्रॉस बी का जो मॉड का हाफ आएगा वो उसका एरिया दिखाएगा। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ हट जाएगा ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज हाफ ए क्रॉस बी। अच्छा, इसको लॉजिकली सोच सकते हो, जरा सोचो कि एक ट्रेंगल है, ये उसकी दो साइड है और ये कुछ तीसरी साइड कुछ भी होगी मुझे नहीं पता, है ना, ये ए है, ये बी है। आप जानते हो बेटा कि ये थीटा एंगल अगर है तो ये बी साइन थीटा होता है। तो मैं अगर इस एरिया ट्रायंगल ऑफ एरिया लिखूं, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखूं, ये क्या लिखोगे, हाफ ये परपेंडिकुलर था इनटू बेस इनटू हाइट, ये क्या लिखा हुआ है, हाफ ए क्रॉस बी, क्या लिखा हुआ है, हाफ ए क्रॉस बी। तो अगर दो वेक्टर एक ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड्स बनाते हैं तो उसका एरिया आता है हाफ ए क्रॉस बी। और सोच के देखो, पैरेललोग्राम का भी एरिया यही होता है, बस हाफ नहीं आएगा, पूरा रहता है वो। ऐसे दो ट्रायंगल होते हैं तो हाफ ए क्रॉस बी प्लस हाफ ए क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मॉड। तो अगर ए और बी एक ट्रायंगल या पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स हो, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ ए क्रॉस बी, पैरेललोग्राम का एरिया ए क्रॉस बी। और कई जगह ऐसा लिखा मिलता है, ये मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा, आपको खुद सोचना है ये कैसे होगा। आप सोच सकते हो, इफ सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम,
डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ मॉड सी क्रॉस डी। अगर दो वेक्टर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा वो हाफ सी क्रॉस डी आएगा। अब जरा याद करो पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या होते थे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। उससे इसको ट्राई करना, देखना क्या आता है, उससे इसको ट्राई करना। वैसे बता ही देता हूँ तुम भी क्या याद रखोगे। ये देखो क्या आ गया, हाफ सी, सी को आप क्या लिख सकते हो बेटा, ए क्रॉस ए प्लस बी मान लो, सर ए क्रॉस नहीं ए प्लस बी, एक वेक्टर क्या हो जाएगा इनमें से ए प्लस बी, और एक वेक्टर क्या हो जाएगा ए माइनस बी। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो हाफ ए क्रॉस ए तो जीरो होगा, है ना, ए के साथ ओपन कर रहा हूं तो ए क्रॉस ए जीरो हो गया, तो यह माइनस ए क्रॉस बी, है ना, और फिर बी क्रॉस ए तो क्या हुआ बी क्रॉस ए, और बी क्रॉस बी जीरो हो गया। ठीक, तो ये एक तरह से लिखा हुआ है हाफ इंटू टू मॉड की तो बात है, टू मॉड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी और उसका मॉड तो सेम होगा ना, तो ये कैंसिल हुआ तो कितना आ गया मॉड ए क्रॉस बी। अगर ए और बी उसकी यहाँ क्या है एडजेसेंट साइड्स, जो पीछे लिखा था वही प्रूफ हो गया। अगर ए और बी उसकी साइड्स हैं तो सी और डी उसके डायगोनल है, है ना, और अपन जानते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये देखो दोनों एक ही बात लिखी हुई है, ये दोनों एक ही, इस कायदे से मुझे इसको माइनस ए क्रॉस बी लिखना चाहिए तो उसका मॉड तो वही प्लस ही आ जाएगा। ये दोनों एक ही बात लिखी हुई है, बी क्रॉस ए और माइनस ए क्रॉस बी एक ही चीज है, तो बस यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया। जल्दी से इसको लिख लीजिए और अपना वेक्टर का चैप्टर खत्म।